और चलिए इस वक्त सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो क्या संबोधित कर रहे हैं G20 में, उनके इस संबोधन को, उद्बोधन को सुन लेते हैं। और ये सेलिब्रेशन है चंद्रमा पर चंद्रयान के पहुंचने का। भारत के लूनर मिशन की सफलता में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही इसमें भारत की इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। चंद्रयान में यूज किए गए अनेक कंपोनेंट्स हमारी इंडस्ट्री ने, हमारी प्राइवेट कंपनियों ने, हमारे एमएसएमईज ने उसको आवश्यकता के अनुसार तैयार कर समय सीमा पर उपलब्ध कराए हैं। यानी ये साइंस और इंडस्ट्री दोनों की सफलता है। और इम्पोर्टेंट ये भी है, इस बार भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट कर रही है। ये सेलिब्रेशन एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस प्रोग्राम चलाने का है। ये सेलिब्रेशन देश के विकास को एक्सेलरेट करने का है। ये सेलिब्रेशन इनोवेशन का है। ये सेलिब्रेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी और इक्वेलिटी लाने का है। और यही तो इस G20 समिट की थीम है, रेस। इट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलरेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्वेलिटी, एंड इट इज अबाउट ह्यूमैनिटी। इट इज अबाउट वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फ्रेंड्स, वैसे तो G20 के थीम रेज में आई है, आई इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं इसमें इनोवेशन के साथ ही एक और आई को भी देखता हूं, और ये आई है इंक्लूसिवनेस। हमने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की स्थायी सदस्यता के लिए इस विजन के साथ इनवाइट किया। G20 में भी अफ्रीका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक फोकस एरिया रखा गया है। भारत का मानना है कि ये फोरम अपनी अप्रोच में जितना इंक्लूसिव होगा उतना ही बड़ा इसका इंपैक्ट होगा। इससे ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल करने, ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने और यहां लिए गए फैसलों के इम्प्लीमेंटेशन में हमें उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, कहते हैं कोई भी आपदा आती है, बड़ा संकट आता है, तो वो हमें कुछ न कुछ सबक देकर जाता है, सिखाकर जाता है। 2-3 साल पहले हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, 100 साल में आए सबसे बड़े संकट से गुजरे हैं। इस संकट ने दुनिया के हर देश को,
हर समाज को, हर बिजनेस हाउस को, हर कॉरपोरेट एंटिटी को एक सबक दिया है। सबक ये कि हमें अब जिस चीज पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है वो है आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट। कोरोना ने दुनिया में इस आपसी विश्वास को तहस नहस कर दिया है और अविश्वास के इस माहौल में जो देश पूरी संवेदनशीलता के साथ, विनम्रता के साथ विश्वास का झंडा लेकर आपके सामने खड़ा है वो है भारत। सौ साल के सबसे बड़े संकट में भारत ने जो चीज दुनिया को दी वो है विश्वास, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। जब कोरोना के समय दुनिया को जरूरत थी तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाते भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां उपलब्ध कराई। जब दुनिया को कोरोना की वैक्सीन की जरूरत थी तो भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज भारत के एक्शन में दिखती है, भारत के रिस्पॉन्स में दिखती है। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज देश के 50 से ज्यादा शहरों में हुई G20 की बैठकों में दिखाई देती है और इसलिए भारत के साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। भारत के साथ जितनी आपकी दोस्ती मजबूत होगी उतनी ही समृद्धि दोनों को मिलेगी। यू ऑल नो बिजनेस कैन ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इंटू प्रोस्पेरिटी, ऑब्स्टेकल्स इंटू अपॉर्चुनिटीज, एस्पिरेशंस इंटू अचीवमेंट्स। वेदर दे आर अ स्मॉल और बिग, ग्लोबल और लोकल, बिजनेस कैन एंश्योर प्रोग्रेस फॉर एवरीवन। देयरफॉर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, COVID-19 से पहले और COVID-19 के बाद की दुनिया बहुत बदल गई है। कई चीजों में इरिवर्सिबल चेंज हम देख रहे हैं। अब जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन को दुनिया फिर से पहले की तरह नहीं देख सकती। पहले कहा जाता था कि जब तक ग्लोबल सप्लाई चेन इफिशिएंट है तब तक चिंता की कोई बात ही नहीं है।
लेकिन ऐसी सप्लाई चेन का और ऐसी सप्लाई चेन एफिशिएंट कही जा सकती है जो तब टूट जाए, और वो भी तब जब उसकी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए आज जब दुनिया इस सवाल से जूझ रही है, तो साथियों मैं आपको विश्वास देता हूं इस समस्या का समाधान भारत है। एक एफिशिएंट और ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्माण में भारत का अहम स्थान है, और इसके लिए ग्लोबल बिजनेस को अपनी रिस्पांसिबिलिटी आगे बढ़ाकर और आगे बढ़कर के हम सबको मिलकर के उठानी होगी। फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि G20 देशों के बीच बिजनेस 20 डिबेट और डायलॉग का एक वाइब्रेंट फोरम बनकर उभरा है। इसलिए जब इस मंच पर हम ग्लोबल चैलेंजेस के सॉल्यूशंस पर चर्चा कर रहे हैं, तब सस्टेनेबिलिटी बहुत अहम विषय है। हम सबको यह ध्यान रखना होगा कि सस्टेनेबिलिटी की बातें सिर्फ नियमों कानूनों तक सीमित न रहे, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने, जीवन का हिस्सा बने। मेरा आग्रह ये है कि ग्लोबल बिजनेस को इसे एक कदम और आगे आना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी अपने आप में अपॉर्चुनिटी भी है और एक बिजनेस मॉडल भी है। अब आप छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, मिलेट्स का उदाहरण समझ सकते हैं। इस वर्ष को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। मिलेट्स सुपर फूड भी हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और छोटे किसानों को भी सपोर्ट करता है, और इसमें फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में भी अपार संभावनाएं हैं। यानी ये लाइफस्टाइल और इकोनॉमी हर लिहाज से विन विन मॉडल है। इसी प्रकार हम सर्कुलर इकोनॉमी को भी देखते हैं, इसमें भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। भारत में हम ग्रीन एनर्जी पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सोलर एनर्जी कैपेसिटी में जो सफलता भारत को मिली है, इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में भी दोहराएं। भारत की कोशिश इसमें भी दुनिया को साथ लेकर चलने की है, और ये कोशिश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तौर पर भी दिखाई देती है। फ्रेंड्स, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में आजकल हम देखते हैं कि अपनी हेल्थ को लेकर सभी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। हेल्थ कॉन्शियसनेस डाइनिंग टेबल पर तो तुरंत दिखती है। जब हम कुछ खरीदते हैं, जो खाते हैं, जो काम करते हैं, हर चीज में ये जरूर देखते हैं कि इसका हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर कोई सोचता है कि कहीं मुझे तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, लंबे समय मुझे मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। हमें सिर्फ आज की चिंता नहीं होती, बल्कि ये भी सोचते हैं कि आगे चलकर भी इसका क्या प्रभाव होगा। मेरा मानना है यही सोच
बिजनेस और सोसाइटी की प्लेनेट को लेकर के भी होनी चाहिए। जितनी चिंता मुझे मेरे हेल्थ के लिए हो और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में वो मेरा तराजू हो, तो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में प्लेनेट को क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी हेल्थ का क्या होगा, यह भी तो हमारी जिम्मेवारी है। हर फैसले से पहले इस जरूर विचार किया जाना चाहिए कि इसका हमारी धरती पर क्या असर होगा। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के पीछे यही भावना है। इसका मकसद दुनिया में प्रो प्लेनेट पीपल इस प्रकार का एक समूह तैयार करना, एक आंदोलन खड़ा करना है। हर लाइफस्टाइल डिसीजन का बिजनेस वर्ल्ड पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। जब लाइफस्टाइल और बिजनेस दोनों प्रो प्लेनेट होंगे तो अनेक समस्याएं वैसे ही कम हो जाएगी। हमें इस बात पर बल देना होगा कि अपने जीवन, अपने बिजनेस को हम कैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से डालें। भारत ने बिजनेस के लिए ग्रीन क्रेडिट का फ्रेमवर्क तैयार किया है। हम लोग इतने दिनों से कार्बन क्रेडिट में ही उलझे हुए हैं और कुछ लोग कार्बन क्रेडिट का मजा भी ले रहे हैं। मैं दुनिया के सामने ग्रीन क्रेडिट की बात लेकर के आया हूं। ग्रीन क्रेडिट जो प्लेनेट पॉजिटिव एक्शन पर जोर देता है। मैं ग्लोबल बिजनेस के सभी दिग्गजों से आग्रह करता हूं, कोई इससे जुड़े और इसे एक ग्लोबल मूवमेंट बनाए। फ्रेंड्स, हम बिजनेस की ट्रेडिशनल अप्रोच पर भी विचार करना होगा। हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, अपनी सेल की चिंता तक सीमित रहे ये काफी नहीं है। एक बिजनेस के रूप में हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने पर भी बल देना होगा जो लॉन्ग टर्म में भी लाभ देता रहे। अब जैसे भारत ने बीते समय में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की है उनके कारण सिर्फ 5 वर्ष में ही लोग करीब करीब 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये जो गरीबी से ऊपर आने वाले लोग हैं, जो न्यू मिडिल क्लास है, और मैं मानता हूं यही सबसे बड़े कंज्यूमर है, क्योंकि वो एक नए एस्पिरेशंस के साथ आते हैं। जो न्यू मिडिल क्लास भी भारत की ग्रोथ को मोमेंटम दे रहा है, यानी सरकार ने गरीबों के लिए जो काम किया उसके नेट बेनिफिशियरी हमारे मिडिल क्लास भी हैं और हमारे एमएसएमईज भी हैं। कल्पना कीजिए कि प्रो पुअर गवर्नेंस पर फोकस करने से आने वाले 5-7 साल में कितना बड़ा मिडिल क्लास तैयार होने वाला है। इसलिए हर बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों की, और ये जो परचेजिंग पावर बढ़ रहा है उस परचेजिंग पावर मिडिल क्लास का जैसे जैसे बढ़ता है तो सीधा सीधा
वो बिजनेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और हमने इस दोनों पर एक समान रूप से कैसे फोकस करना है। हमारा फोकस अगर सेल्फ सेंट्रिक रहा तो मैं नहीं मानता हूं कि हम खुद का भी भला कर पाएंगे और दुनिया का भी भला कर पाएंगे। ये चुनौती हम क्रिटिकल मटेरियल, रेयर अर्थ, ऐसे कई मेटल के मामले में अनुभव भी कर रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं बहुत अधिक है, कहीं है ही नहीं, लेकिन जरूरत पूरी मानव जात को है। जिसके पास वो अगर इन्हें ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में नहीं देखेगा तो ये एक नए कॉलोनियलिज्म के मॉडल को बढ़ावा देगा। और ये मैं बहुत गंभीर चेतावनी दे रहा हूं फ्रेंड्स, ये प्रॉफिटेबल मार्केट कैन बी सस्टेन व्हेन देयर इज ए बैलेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। दिस ऑल्सो अप्लाइड टू नेशंस। Treating other countries only as a market will never work. It will harm even the producing countries sooner or later. Making everyone equal partners in progress is the way forward. There are many global business leaders here. Can we all give more thought to how to make business more consumer centric? These consumers could be individuals or countries. Their interests need to be taken care of as well. Can we think of some sort of a yearly campaign for this? Every year, can global business come together to pledge themselves for the good of the consumers and their markets? Sathiyo, kya duniya bhar mein sare business milkar saal ka koi aisa din tay kar sakte hain jise कंज्यूमर को समर्पित किया जा सके? दुर्भाग्य देखिए, हम कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं, कंज्यूमर राइट्स का डे भी मनाते हैं दुनिया, उनको करना पड़ रहा है। क्या हम इस चक्र को बदल करके जैसे कार्बन क्रेडिट छोड़कर के ग्रीन क्रेडिट पर जाएं, वैसे कंज्यूमर राइट डे की दुनिया पर मजबूरी के बजाय हम कंज्यूमर केयर की बात करने का नेतृत्व ले सकते हैं? एक बार हम कंज्यूमर केयर डे मनाना शुरू करें, आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा पॉजिटिव सिग्नल्स के साथ का एनवायरनमेंट बदल जाएगा। अगर कंज्यूमर की केयर बात होगी तो राइट से जुड़े उनके मुद्दे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे साथियों। इसलिए इंटरनेशनल कंज्यूमर केयर डे, ऐसी व्यवस्था पर मैं चाहूंगा कि आप सब साथी मिलकर के कुछ सोचिए। इससे बिजनेस और कंज्यूमर के बीच ट्रस्ट को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। और हमें याद रखना है कि कंज्यूमर सिर्फ एक ज्योग्राफी के भीतर के रिटेल कंज्यूमर नहीं है, बल्कि अलग अलग देश भी हैं जो ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस के कंज्यूमर है। साथियों, आज जब दुनिया के बड़े बिजनेस लीडर्स यहां जुटे हैं तब हमारे सामने कुछ और बड़े सवाल भी हैं। इन सवालों के उत्तर से ही बिजनेस और ह्यूमैनिटी का भविष्य तय होगा। और इनके जवाब के लिए
आपसी सहयोग जरूरी है, चाहे क्लाइमेट चेंज का विषय हो, एनर्जी सेक्टर की क्राइसिस हो, फूड सप्लाई चेन का असंतुलन हो, वाटर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसे कितने ही विषय हैं जो बिजनेस पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इससे मुकाबला करने के लिए हमें अपने साझा प्रयास बढ़ाने होंगे। समय के साथ अब हमारे सामने ऐसे विषय भी जुड़ते जा रहे हैं जिनके बारे में 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। मैं समझता हूं इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इसी प्रकार की अप्रोच की जरूरत है। आज एआई को लेकर दुनिया बहुत एक्साइटमेंट देख ही रही है, लेकिन एक्साइटमेंट के बीच कुछ एथिकल कंसिडरेशन भी है। स्किलिंग और रिस्किलिंग को लेकर एल्गोरिदम बायस और सोसाइटी पर उसके प्रभाव को लेकर चिंता ही जताई जा रही है। ऐसे विषयों को भी हम सबने मिलकर के हल करना होगा। ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटीज और सरकारों को मिलकर के ये सुनिश्चित करना होगा कि एथिकल एआई को विस्तार मिले। हमें अलग अलग सेक्टर्स में पोटेंशियल ड्यूरेशंस को मापना होगा। डिसरप्शन हर बार नजर आ रहा है और हम सोचते हैं, हिसाब लगाते हैं, उससे ज्यादा डिसरप्शन का स्केल, उसका व्याप और उसकी गहराई गंभीर होती जा रही है। इस समस्या का ग्लोबल फ्रेमवर्क, उसके तहत समाधान निकालना होगा। और साथियों, ऐसा नहीं है कि ऐसी चुनौतियां हमारे सामने पहली बार आई है। जब एविएशन सेक्टर बढ़ रहा था, जब फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ रहा था, तब भी दुनिया ने ऐसे फ्रेमवर्क बनाए हैं। इसलिए आज मैं G20 को यह आह्वान करूंगा कि नए विषयों पर भी मंथन करे, चिंतन करे। फ्रेंड, बिजनेस हैव सक्सेसफुली गॉन बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज। नाउ इज द टाइम टू टेक बिजनेस बियॉन्ड जस्ट द बॉटम लाइन। This can only be done by focusing on supply chain resilience and sustainability. I am sure that the G20 summit has paved the way for a collective transformation. Let us remember that a connected world is not just about connection through technology. It is not only about shared social platforms, but also about our shared purpose, shared planet, shared prosperity, and shared future. Thank you. Thank you very much. Thank you, Prime Minister, sir.